आज मैं आपको जो है वो एक चीज़ बताना चाहता हूँ जिसपे मैंने जो है वो तकरीबन 6 महीने वर्कआउट किया और मेहनत की। तो अब वो ये था कि मेरे साथ साथ मेरी मम्मी ने भी की, जो एक पौधा उगाया जो 6 महीने के बाद जो है वो जिसने फल दिए, और आज जो है वो उस फल को जो है वो काटने का टाइम था। तो मैंने कहा मैं आपसे शेयर करूँ कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिस जो अगर साथ साथ रखी जाएँ तो हम घर में भी जो है वो टमाटर उगा सकते हैं और उसकी जो है वो ग्रोथ बहुत हो सकती है। अब इसके लिए अगर देखा जाए तो ज़्यादा नहीं, पहले एक टमाटर को एक ऐसी खाद के अंदर उगा दें जो कि बाज़ार से मुश्किल से 150 रुपये की मिलती है, और उसमें टमाटर रख के उगा दें। लेकिन ये याद रखिएगा जैसे वो बड़ा होता जाए तो उसकी ग्रोथ का ख्याल रखना है, और उसके लिए जो है वो साथ साथ पानी लाजमी देते चले जाना है, और पेस्टिसाइड छिड़काव करना है, और साथ साथ उसके साथ पेस्टिसाइड के साथ साथ फर्टिलाइज़र मिलती है वो अगर डालते रहेंगे तो वो फर्टिलाइज़र को वो जो आप ताकत मिलती है उनकी जड़ों को, और वो फल और ज़्यादा अच्छे और ज़्यादा बेहतर आपके सामने आते हैं। मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ कि और पहला अपने घर के टमाटर जो है वो तोड़ के दिखाऊँगा। मैंने ये 6 महीने पहले उगाया था और आज माशाल्लाह आप देख लेंगे इतना बड़ा हो गया है टमाटर का फल। तो मैं अभी आपको पूरा उसका दिखाता हूँ कि मैंने कैसे उगाया था और अभी जो है वो किस तरह वो फल देगा और है उसके पास, और मैं पहला फल उस पर तोड़ूँगा। पौधा जो मैंने उगाया था, और अब आप यह देखें कि कितना बड़ा होते होते ये इतना बड़ा हो गया कि आप ये देखें कि ये फल, आप देखें ये टमाटर है, और अभी मैं आपको लाल टमाटर दिखाऊंगा तो आप देखें कि अब आप ये देखें ये इतने बड़े बड़े टमाटर देखें, ये छोटे छोटे भी हैं, और यहाँ पर देखें आप ये सब जो है वो आप आराम से घर पे उगा सकते हैं। बस ये है कि इनके ख्याल पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र का आपको थोड़ा सा ख्याल रखना है।